बिजनौर के अमागढ़ टाइगर रिजर्व में पहुंचे विधायक कुंवर सुशांत सिंह ने जंगल सफारी का फीता काटकर शुभारंभ किया और कहा कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व न्यू जिम कार्बेट के नाम से जाना जाएगा। जंगल सफारी प्रारंभ होने से क्षेत्र का विकास होगा। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर को हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बहरीपुर की नई सौगात दी थी, जिसमें आज भाजपा के विधायक कुंवर सुशांत सिंह ने पहुंचकर जंगल सफारी शुभारंभ किया और पर्यटक पंजीकरण कक्ष, कैंटीन, टिकट घर का भी फीता काटकर शुभारंभ किया व जंगल सफारी जिप्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व न्यू जिम कार्बेट के नाम से जाना जाएगा और जंगल सफारी प्रारंभ होने से क्षेत्र का विकास भी होगा और इको पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों को सुख मिले और उसके साथ अच्छा व्यवहार हो, उन्हें सुरक्षा का माहौल मिले, इसी को लेकर सभी से सहयोग करने की अपील की। वन संरक्षक ने विधायक कुंवर सुशांत सिंह को हाथी की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत किया। जिला वन अधिकारी ने कहा कि आज के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म शुरू किया जा रहा है। छह वाहन मॉर्निंग के लिए 6 ट्रिप्स एंड 5 ट्रिप्स इन द इवनिंग का शुरुआत करा गया है। ये तो शॉर्ट जो आज का ही शॉर्ट टर्म गोल अचीवमेंट हुआ है, मगर लॉन्ग टर्म गोल ये है कि अमानगढ़ फॉरेस्ट रेंज, बढ़ापुर फॉरेस्ट रेंज, साहूवाला फॉरेस्ट रेंज और कौड़िया फॉरेस्ट रेंज, ये चारों फॉरेस्ट रेंजेस के साथ साथ हरेवली का बराज, ये चारों पांचों चीज़ों को प्राकृतिक सुंदरता से धनी है और इन जगहों को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग रामनगर जैसे जिम कॉर्बेट एक्सेस करते हैं। टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी प्रारंभ किए हैं क्योंकि आज के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ पे जो इको टूरिस्ट प्लेस है वहाँ इसको इको टूरिज्म को प्रारंभ किया गया है। तो कहीं पे हमारे मंत्री जी गए हैं, कहीं पे जो है हमारी जो पीसीसी मैडम हुआ है, कुछ और जो भी डिग्निटीज हैं उन लोगों को भेजा गया है।